हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटा नूडल्स। अगर आप मैदा नूडल्स खाना नहीं पसंद करते हो, आप घर पे ही बहुत ही झटपट आटा नूडल्स बना सकते हैं। चलिए नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पे हम एक बर्तन रखेंगे, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर के करीब हम पानी ऐड करेंगे। पानी में उबाल आने देते हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। इसमें आटा हम गूंदते ना वो बर्तन लेंगे। इसमें हम 1 बाउल आटा ऐड करेंगे। जितना आपको नूडल बनाना हो ना उस हिसाब से आप आटा ले लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा हम निकाल लेते हैं, हमें ना बाद में काम आएगा। अब हम आटा गूंदेंगे। हमें बहुत ही कम पानी डाल के इसे गूंदना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना उससे हमें हार्ड ही रखना है, उतना सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हमें हार्ड रखना है, तब नूडल है ना अपना अच्छा बनेगा। गेहूं के आटे का बहुत ही ज्यादा हेल्दी नूडल हम बना रहे हैं। देखिए आटा हमने लगा लिया है, हमें सीधे रखना है। ये देखिए बहुत ज्यादा ये नरम नहीं है, थोड़ा सा ये हार्ड है। अब हम साइड कर देते हैं। अब हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे। इस पे ना पहले सूखा आटा लगाएंगे, फिर हम इतना आटा लेंगे इस तरीके से करके। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह पहले हमें रोटी बनाना है। हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, ज्यादा बारीक हम नहीं करेंगे। अब हम इसे रोटी की तरह बनाएंगे। बड़ा सारा रोटी बनाना है, हमें मोटा ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब इसके ऊपर से हम सूखा आटा लगा देंगे। जब हम नूडल बनाएंगे ना तो इसके ऊपर एक दूसरे पे चिपकेगा नहीं। इस तरीके से आटा लगा के हमें इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसे प्रेस नहीं करना है, अब हम इसे कटिंग करेंगे। नूडल बनाएंगे पतले पतले, ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पतले पतले कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब हम इसे अलग कर लेंगे इस तरीके से करके। ये देखिए ये लंबे लंबे नूडल की तरह बन जाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे नूडल इस तरीके से खोल लेंगे। इस तरीके से लेके आटा हमें ज्यादा गिल्ला नहीं करना है, नहीं तो नूडल है ना अच्छा नहीं बनेगा। आटा हमें थोड़ा टाइट कर रखना है, ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने नूडल बना लिया। इस तरीके से नूडल बन गया ना लंबे लंबे। ऊपर से हम इसके ऊपर से सूखा आटा लगा देते हैं कि एक दूसरे से ये चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से लगा के इसे इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये नूडल की तरह बन गया ना। बच्चे भी अपने बहुत खुश होके खाएंगे, बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी नूडल बन रहा है। आटा लगा देंगे ना सूखा आटा, फिर एक दूसरे से ये चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से हम सारे नूडल्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए नूडल्स सारे बनके अपने तैयार हो गए ना। ये देखिए कितने लंबे लंबे नूडल्स बने हैं अपने, और इधर पानी भी उबल गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल से ना ये नूडल्स है ना एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, कि पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। आप इस तरीके से घर पे बहुत ही हेल्दी नूडल्स बना सकते हैं, वो बहुत ही कम मेहनत में। बस नूडल्स बनाने में ही मेहनत लगता है, लेकिन जब अपने को हेल्दी खाना हो तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। गैस हम मीडियम कर लेंगे, इसे हम इस तरीके से चला देंगे। बिना ढके ही हमें पकाना है। गैस हम मीडियम कर देंगे, इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे इस तरीके से। गैस हमें स्लो रखना है।
ये देखिए कितना बढ़िया ये शाइनिंग दे रहा है ना, अच्छे से ये पक रहा है। ये देखिए नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं, गैस हम बंद कर देते हैं। देखिए शाइनिंग आने लगा ना, बहुत ही बढ़िया ये पक गया है, गैस हम बंद कर देते हैं। अब छानने में हम गिरा देते हैं, इसका पानी अलग हो जाए। ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देते कि एक दूसरे से ये चिपकेंगे नहीं, जल्दी ठंडे हो जाएंगे। चलिए अब नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस पे हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देते हैं। अर्धा चम्मच से कम हम जीरा ऐड करेंगे, जीरा को ब्राउन होने देते हैं। कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, एक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड कर देते हैं। आप अपने मन पसंद सब्जी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं, प्याज ऐड कर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। हम लहसुन प्याज के बिना ही नूडल्स बना रहे हैं। अच्छे से हम सब्जियां फ्राई करेंगे। अब इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। अर्धा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे अर्धा चम्मच से कम, इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी को पकने देते हैं। चलिए चेक करते हैं सब्जी फ्राई हुआ है कि नहीं। ये देखिए सब्जी अपना फ्राई हो गया है, सब्जी अपनी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे, ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, टमेटो सॉस ऐड करेंगे। आप इस तरीके से बहुत ही हेल्दी नूडल्स बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। गैस हमें स्लो रखना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हम पलटे से नहीं मिक्स करेंगे, हम स्पून से। अब हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे, गैस हमें स्लो रखना है कि मसाला नूडल्स अच्छे से मिक्स हो जाए। नूडल तो हमने पहले ही पका लिया है, लेकिन थोड़ा हम इसके साथ और पकाएंगे कि मसाला है ना नूडल्स में अच्छे से चले जाए। बीच बीच में हम चला लेंगे कि ये नीचे लगे नहीं। 1 मिनट हम और पकाएंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है। चलिए चेक करते हैं नूडल्स बनाए कि नहीं। ये देखिए नूडल्स अपने बन गए। आप चाहो तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने मैगी मसाला नहीं डाला है। हम बहुत सिंपल बना रहे हैं। गैस हम बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये हेल्दी आटा नूडल्स बन के तैयार हो गया ना। बच्चे भी अपने बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आपको नूडल्स खाने का मन करे, अगर बाजार का आप खाना नहीं पसंद करते हो, तो आप इस तरीके से घर पे ही नूडल्स बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अगर आपको और भी नूडल्स की रेसिपी देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।